Good morning, children. Hope you all are fine at home. Today we will learn some more interesting thing in English. Well, kids, यहाँ पे pictures देख रहे होंगे आपके cartoon character है जो Batman. तो पहली picture में देखिए कहाँ पर है Batman का toy? वो glass के नीचे है. तो आप sentence बना सकते हैं English में. The Batman is under the glass. Second one में देखिए कहाँ पे toy रखा हुआ है? Glass के ऊपर. Above. Above यानी ऊपर. तो क्या सेंटेंस बनेगा? द बैटमैन इज अबव द ग्लास. यानी जो बैटमैन है वो किसके ऊपर है? ग्लास के ऊपर है. ओके, थर्ड वन में देख लीजिए इन फ्रंट ऑफ. कहाँ पर है बैटमैन? ग्लास के सामने. यानी आप सेंटेंस बनाएंगे द बैटमैन इज इन फ्रंट ऑफ द ग्लास. यानी कि जो बैटमैन है वो किसके सामने है? ग्लास के सामने है. ओके, फोर्थ वन में देखिए जो बैटमैन का टॉय है वो कहाँ है? ग्लास के पीछे है. तो क्या सेंटेंस बना सकते हैं आप? द बैटमैन इज बिहाइंड द ग्लास. यानी जो बैटमैन है वो किसके पीछे है? ग्लास के पीछे. ओके, फिफ्थ वन में देखिए कहाँ पर बैटमैन है? ग्लास के बगल में. तो क्या सेंटेंस बनेगा? द बैटमैन इज बिसाइड द ग्लास. यानी कि जो बैटमैन है वो ग्लास के बगल में है. ओके, लास्ट वन में देखिए यहाँ पे बैटमैन की पोजीशन कहाँ पर है? दो ग्लासों के बीच में. तो क्या सेंटेंस बना सकते हैं आप? द बैटमैन इज बिटवीन द ग्लास. जो बैटमैन है वो किसके बीच में है? ग्लासों के बीच में है. तो किड्स, आप देख रहे होंगे जो ये सारे के सारे सेंटेंसेस हैं जो हमने यूज किए, अंडर, अबव, इन फ्रंट ऑफ, बिहाइंड, बिसाइड एंड बिटवीन, ये सारे के सारे क्या बता रहे थे? जो बैटमैन टॉय है उसकी पोजिशन बता रहे थे. तो हम इन्हें क्या कहेंगे? पोजिशनल वर्ड्स कहेंगे. ओके, इसे और अच्छे से क्लियर कर लेते हैं. देखिए पोजिशनल वर्ड्स यानी कि जो पोजिशन बताते हैं, यानी कि कोई चीज कहाँ पर है. ओके, तो आप इस पिक्चर्स में देख सकते हैं जो एक कैट है ब्लू कलर की, फर्स्ट वाले सेंटेंस में देखें कहाँ है वो? अबव द वैन. तो आप क्या सेंटेंस बना सकते हैं? द कैट इज अबव द वैन. ओके, यानी जो बिल्ली है वो किसके ऊपर है? वैन के ऊपर है. सेकेंड वन में देखिए बिसाइड यानी बगल में, किसके बगल में? बिसाइड द वैन. तो कैट की पोजीशन कहाँ है? द कैट इज बिसाइड द वैन. ओके, थर्ड वन में देखिए कैट कहाँ पे है? वैन के नीचे. तो आप क्या वो सेंटेंस बना सकते हैं? द कैट इज अंडर द वैन. यानी कि जो कैट की पोजीशन है वो किसके नीचे है? वैन के नीचे है. ओके, फोर्थ वन में देखिए कैट कहाँ है? बिहाइंड. बिहाइंड यानी पीछे. तो कहाँ पे है कैट? द कैट इज बिहाइंड द वैन. तो कैट कहाँ है? वैन के पीछे है. ओके, ओके, नेक्स्ट देखिए कैट की पोजीशन कहाँ है? वैन के आगे है. तो आप क्या सेंटेंस बना सकते हैं? द कैट इज इन फ्रंट ऑफ द वैन. तो कैट कहाँ है? वैन के सामने है. ओके, नेक्स्ट देखिए कैट कहाँ है? वैन के अंदर है. तो आप क्या सेंटेंस बना सकते हैं? द कैट इज इन साइड द वैन. यानी जो कैट है वो वैन के अंदर है. ओके, नेक्स्ट देखिए जो कैट है वो कहाँ है? वैन के टॉप पे. तो आप क्या सेंटेंस बना सकते हैं? द कैट इज ऑन द टॉप ऑफ वैन. तो जो कैट है वो वैन के टॉप पे है. ओके, यहाँ पे लास्ट वन देखिए टू वैन्स के बीच में कैट है. तो आप क्या सेंटेंस बना सकते हैं? द कैट इज बिटवीन द वैन. तो आप देख रहे होंगे ये सारे के सारे जितने भी वर्ड्स हैं, अबव, बिसाइड, अंडर, बिहाइंड, फ्रंट, इनसाइड, ऑन टॉप ऑफ एंड बिटवीन, ये सारे के सारे पोजिशनल वर्ड्स हैं. यानी कि वो बता रहे हैं कि कोई चीज़ कहाँ पर है. ओके, तो हम इतने सारे जितने भी हमने ये पोजिशनल वर्ड्स देखे हैं इन्हें हम प्रीपोजिशन कहते हैं. तो हम कह सकते हैं प्रीपोजिशन a word or phrase that is used before a noun or pronoun to show place, time and direction. यानी कि समय, स्थान तथा दिशा आदि के संकेत के लिए जो संज्ञा और सर्वनाम से पहले प्रयुक्त शब्द होते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन कहते हैं. ओके, इसे और अच्छे से क्लियर कर लेते हैं. ये देखिए यहाँ पे एप्पल की पोजिशन देख लीजिए. ऑन, ऊपर, ऑन द बॉक्स यानी बॉक्स के ऊपर, इन द बॉक्स यानी बॉक्स के अंदर, नेक्स्ट टू या बिसाइड या के बगल में, किसके बगल में? बिसाइड द बॉक्स. ओके, नेक्स्ट देखिए
इन फ्रंट ऑफ यानी इसके सामने, किसके सामने, इन फ्रंट ऑफ बॉक्स, बॉक्स के सामने एप्पल, ओके। नेक्स्ट देखिए बिहाइंड, बिहाइंड यानी पीछे, बिहाइंड द बॉक्स, अभी एप्पल की पोजीशन क्या है, बिहाइंड द बॉक्स, ओके। नेक्स्ट देखिए बिटवीन टू बॉक्सेस, कहाँ है एप्पल की पोजीशन, बिटवीन द बॉक्सेस, तो बॉक्स के बीच में है, ओके। नेक्स्ट देखिए अंडर द बॉक्स, एप्पल का पोजीशन कहाँ है, अंडर द बॉक्स यानी बॉक्स के नीचे है, ओके। अभी ओपल सॉरी जो एप्पल है, एप्पल का पोजीशन कहाँ है, थ्रू द बॉक्स यानी बॉक्स के द्वारा यानी पास हो रहा, ओके। नेक्स्ट देखिए अराउंड, किसके अराउंड, अराउंड द बॉक्स यानी बॉक्स के चारों ओर, तो इसे और अच्छे से क्लियर कर लेते हैं किड्स। ये देखिए पोजिशनल वर्ड्स टेल वेयर समथिंग इज, यानी जो पोजिशनल वर्ड्स होते हैं वो हमें बताते हैं कि कोई चीज कहाँ है। यहाँ पे चार्ट में आप देख सकते हैं पहला सेंटेंस, दैट कैट इज अंडर द डेस्क, यानी जो कैट है वो डेस्क के नीचे है, ओके। द क्लाउड आर अबव द हाउस, सेकेंड वन देखिए, जो बादल हैं वो किसके ऊपर है, घर के ऊपर है, ओके। नेक्स्ट देखिए द डॉग इज इन बिटवीन द ट्रीज, जो डॉग है वो किसके बीच में है, पेड़ों के बीच में है, ओके। द हैट इज ऑन द स्नोमैन, जो हैट है वो किसके ऊपर है, स्नोमैन के ऊपर है, ओके। नेक्स्ट देखिए द क्रैब इज इन फ्रंट ऑफ द बॉल, जो क्रैब है किसके सामने है, बॉल के सामने है, ओके। लास्ट वन देखिए द गर्ल इज बिसाइड द बॉय, तो जो गर्ल है वो किसके बगल में है, बॉय के बगल में है। तो ये सारे के सारे वर्ड्स आप देख सकते हैं, मैंने डिफरेंट कलर में कट करके पेस्ट किए हुए हैं, तो आप क्लियरली इन्हें देख सकते हैं, ये पोजीशन बता रहे हैं, अतः इन्हें क्या कहेंगे, पोजिशनल वर्ड्स कहेंगे, या आप प्रीपोजिशन भी कह सकते हैं, ओके। देखिए व्हाट इज प्रीपोजिशन, अ प्रीपोजिशन कनेक्ट अ नाउन और प्रोनाउन टू द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, जो प्रीपोजिशन होते हैं वो नाउन और प्रोनाउन को वाक्य से जोड़ते हैं, ओके। द प्रीपोजिशन शोज, प्रीपोजिशन क्या दिखाते हैं, लोकेशन यानी कि उसकी लोकेशन, टाइम एंड डायरेक्शन, टाइम यानी समय, डायरेक्शन यानी दिशा, ओके। यहाँ पे देख सकते हैं बैलून, देखिए जो रेड बलून है वो कहाँ पे है, इन फ्रंट ऑफ द ब्लू बलून, तो जो रेड बलून है वो ब्लू बलून के आगे है, और ब्लू बलून का है इन बैक ऑफ द रेड बलून, किसके पीछे, रेड बलून के पीछे है। इसी तरीके से देखिए जो डॉग है सॉरी जो कैट है वो उसकी पोजीशन कहाँ है, नेक्स्ट टू द कैट, ओके। नेक्स्ट टू द कैट, कैट के बगल में है, यानी कि जो डॉग के पोजीशन है वो कहाँ पे है, कैट के बगल में, ओके। अभी कैट की पोजीशन देखिए कहाँ पे है, बिटवीन द ट्री एंड डॉग, ट्री और डॉग के बीच में, ओके। एंड जो बटरफ्लाई है वो कहाँ है, अबव द बैलून्स, बैलून्स के ऊपर है, ओके। यहाँ पे देख सकते हैं जो माउस है वो कहाँ है, इन द ट्री, ट्री के अंदर, ओके। और जो एंट है यानी चींटी वो कहाँ है, अंडर द माउस यानी कि माउस के नीचे, ओके। तो ये सारे के सारे प्रीपोजिशनल वर्ड्स हैं, ओके। व्हाट इज अ प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन क्या है, ए प्रीपोजिशन कनेक्ट अ नाउन टू द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, ओके। जो प्रीपोजिशन है वो किसको कनेक्ट करते हैं, नाउन को बाकी वाक्य से जोड़ते हैं, ओके। इट टेल द पोजिशन ऑफ अनदर वर्ड, यह दूसरे शब्द की स्थिति को भी बताते हैं, ओके। प्रीपोजिशन टेल वेयर, प्रीपोजिशन क्या बताते हैं, कोई चीज कहाँ है, देखिए जैसे द कार इज ऑन द रोड, कार कहाँ है, रोड पर है। द शू इज अंडर द बेड, जो शू है जूता है वो कहाँ है, बेड के नीचे है, ओके। प्रीपोजिशन टेल व्हेन, प्रीपोजिशन क्या बता रहा है कि कोई चीज कब हो रही है, यानी टाइम बता रहा है, ओके। यू कैन प्ले आफ्टर स्कूल, आप खेल सकते हैं स्कूल के बाद, ओके। ब्रश योर टीथ बिफोर बेड, यानी कि आप अपने टीथ को ब्रश कीजिए कब, बिस्तर में जाने से पहले। तो प्रीपोजिशन क्या कह रहे हैं,
प्रपोजिशन टेल वेयर, प्रपोजिशन टेल वेन, ओके। यानी कि प्रपोजिशन क्या क्या बताते हैं, लोकेशन बताते हैं या पोजिशन बताते हैं और टाइम बताते हैं, ओके। अब यहाँ पे आपके लिए होमवर्क है, यहाँ पे जितने भी प्रपोजिशन आपने यहाँ पे सीखे, आप यहाँ पे एक ब्लू बॉक्स है, ब्लू बॉक्स की हेल्प की हेल्प से वहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, प्रपोजिशन लिखे हैं, उन्हें आप जहाँ पे सेंटेंस पे आप यूज़ करेंगे और उस सेंटेंस को रीडेबल बनाएंगे और सुटेबल बनाएंगे प्रपोजिशन को यूज़ करके। ओके किड्स, हैव अ नाइस डे।